नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी, और आइए नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की प्रमुख खबरों पर। देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे तीर्थ पुरोहितों का धरना शनिवार को स्थगित हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 28 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड के मसले को सुलझा देने के आश्वासन देने के बाद पुरोहितों ने 30 अक्टूबर तक धरना स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम तीर्थ पुरोहित हक्का हक्कूधारी महापंचायत समिति के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का चार धाम देश दुनिया के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। सरकार का काम मंदिरों में अवस्थापना विकास को सुदृढ़ बनाना है। चार धाम यात्रा जल्द शुरू हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी ने हमारे दर्द को समझा और बहुत ही अच्छा उन्होंने आज हमको समझाया भी, और हम आश्वासन दिया कि इस देवस्थान बोर्ड में अवश्य 30 अक्टूबर तक कोई ना कोई समाधान निकलेगा। हम लोगों ने भी सभी तीर्थ पुरोहितों ने, चार धाम से जितने भी लोग आए थे, हम लोगों ने भी उनको जो है वचन दिया कि हम 30 तारीख तक अपना आंदोलन जो है स्थगित करेंगे। हम लोग उनको मिले माननीय मुख्यमंत्री जी को, चारों धाम के लोग, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट ये बात रखी कि जो हाई पावर कमेटी बना रखी है उसमें आपके लोगों 8 लोगों को आए मेंबर बने, और जो उनकी रिपोर्ट होगी उसके आधार पे, और हमने भी उनको आश्वासन दे दिया कि उसी समय हमने बता दिया कि हम चारों धाम में अपनी जो धरना प्रदर्शन है, जो भी हमारा आंदोलन है, उसको हम स्थगित करते हैं, और 30 तारीख तक, नवंबर तक, अक्टूबर 30 अक्टूबर तक जो है वो हम उसको स्थगित रखेंगे। चारों धामों की मीटिंग आज मुख्यमंत्री जी के उसमें बुलाई थी, और जिसके उसमें एक सकारात्मक माहौल में सब बातचीत हुई, और इस माहौल में, इस बातचीत में जो सामने निकल कर आया उसमें मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि 30 अक्टूबर तक का समय हम सबको दिया गया है कि इस अवधि तक इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं सुलझा दिया जाएगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं इस बातचीत के अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचेंगे और कहीं ना कहीं सकारात्मक पहल होगी और कुछ ना कुछ इसमें निकल के आएगा। नहीं नहीं, हमने हमसे कहा है कि कमेटी हमने उनकी बातों को सुनने के लिए ही बनाई है, और ध्यानी जी उनकी बात सुनेंगे, उन्हीं के समाज के बीच में से आते हैं, उन्हीं के बीच में उन्होंने पूरे जीवन भर काम किया है। कोई अगर इसमें कम्युनिकेशन गैप है तो हम लोग उसको दूर करेंगे, और पहले कमेटी पूरी बात सुनेगी, उसके बाद सरकार को उसको निर्णय लेना है। सर, लगातार तो आज हमने उनसे अनुरोध किया है कि सभी लोग जो है, और सब लोग, क्योंकि हमारी सरकार पूरी तरह से जो है उसमें गंभीर है, हम चाहते हैं कि चार धाम यात्रा भी चले, उसको लेकर हमने माननीय उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की थी उसको भी वो वापस ले लिया है, और अब हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई होनी है। हमारा प्रयास है कि चार धाम यात्रा भी शुरू हो, और हमारे जो देवस्थानम को लेकर जो बात है उस पर भी जो है क्लियरिटी आनी चाहिए, उसके लिए हम लोग। उत्तराखंड में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जोशीमठ से 31 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में आज सुबह 5:58 पर भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इस भूकंप के रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.6 रही। हालांकि अभी तक भूकंप की वजह से किसी जानमाल की हानि नहीं हुई है। बता दें कि भूकंप के लिहाज से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील है। उत्तराखंड भूकंप के जोन 5 में आता है। देहरादून के नए कप्तान जन्मेजय खंडूरी शुक्रवार को रात घोड़े पर सवार होकर सड़क पर निकल गए। SSP जन्मेजय खंडूरी देर रात शहर में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी देखने के लिए घोड़े पर निकले। इस दौरान घंटाघर के पास उन्हें कुछ लोग बिना मास्क के घूमते मिले। इस दौरान SSP ने उन्हें कान पकड़ने के लिए कहा और मास्क पहनने और बेवजह सड़क पर न घूमने की सख्त हिदायत दी। वह गश्त करते हुए मसूरी डायवर्जन तक गए। तब तुम आगे बढ़ना, ठीक है? रात को निकल रहे हो, शराब पी रहे हो? नहीं सर। और बाइक चला रहे हो, कुछ हो गया तुमको? नहीं सर, हम तो सर एक्चुअली जा रहे थे सर। हैं? जा रहे हैं बस। अरे भाई, तो दारू पी कर ही तो जा रहे हो? नहीं सर, ऐसी एक्चुअली बात नहीं है। नहीं तो अभी हम, तुमने नहीं पी रखी? नहीं सर, तुमने नहीं पी रखी है तो मेडिकल सर आएंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी भी लगातार हैट्रिक पर हैट्रिक मारती जा रही है, साथ ही जनता की मांग को लेकर सड़कों पर भी प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी ने एक और चुनावी कार्ड खेल डाला है। उत्तराखंड को हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी आप पार्टी के CM उम्मीदवार कर्नल कोठियाल ने आज वेबसाइट लॉन्च कर दी है। देखो, पार्टी का धीरे धीरे जो एक्सेप्टेंस है वो तो बढ़ता जा रहा है। अभी हम देख रहे थे कि कई जगह ना, जैसे सर्वे होते हैं तो उसमें सर्वे में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी जिस दिन से डिक्लेयर करा गया है कि फेस, अब इसका मतलब ये नहीं है कि फेस अजय कोठियाल डिक्लेयर कर दिया तो खाली उसी से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने चीज़ों को बताने की कोशिश कर रही है। अगर हम यहाँ पे उत्तराखंड में आ रहे हैं तो किस तरीके से लीडरशिप को हम समझते हैं कि कैसे इफेक्टिव हम आगे चीज़ें बना पाएंगे,
तो उसमें हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का एक्सेप्टेंस जो है वो 10 से 15% तक दिखाई दे रहा है। हल्दूचौट के परमा गांव के रहने वाला दिव्यांग शंकर लाल अपनी मांगों को लेकर लालकुआ विधायक नवीन दुमका के आवास के सामने पानी की टंकी पर चढ़ गया। दिव्यांग के पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दिव्यांग को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दिव्यांग अपनी इज्जत पर अड़ा हुआ है। ये टंकी में हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम विधायक के पास भी जा चुके हैं, प्रधान के पास भी जा चुके हैं, जिला प्रमोद के पास भी जा चुके हैं, लेकिन हमें अभी तो इंसाफ नहीं मिल रहा है। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिला था तब तक हम अपनी टंकी से हम नीचे नहीं तो उतरेंगे। हमको मांग ये है कि हमारे बच्चों को हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई का खर्चा उठाएं और मेरी लड़की को सरकारी नौकरी दें। 15 वर्ष संघर्ष कर रहा हूँ, मैं एक दिव्यांग हूँ, SC कैटेगरी में हूँ और अपनी मांग योजना न मिलने के कारण अभी तक बेरोजगार भुखमरी के कगार पर हूँ। तो इसलिए मैं लगभग 15 सालों में लगभग सभी, चाहे कांग्रेस हो, BJP हो, जो भी यहाँ के क्षेत्र के विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, सबसे मैंने दरख्वास्त लगाई कि साहब मैं दिव्यांग हूँ और ऐसी गरीब हूँ, मुझे आप रोज़गार दीजिए। सर मैं हाईस्कूल हूँ और मुझे मेरा अधिकार मिलना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे उत्तराखंड का, कागज में तो बहुत घोषणाएं हो जाती हैं लेकिन धरातल पर नहीं आ पाती। इसका मुझे 15 वर्षों से संघर्ष करते करते आखिर आज मैं टूट गया हूं, तो इसलिए आज मैं जो पानी के टंकी में चढ़ा हूं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।